बिना मावा, बिना चाशनी, बिना गैस जलाए सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनने वाली ये मिठाई जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। मेरे घर वाले तो पहचान ही नहीं पाए थे कि मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार किया है। अगर आप मिठाई बनाना भूल गए हैं और मिठाई बनाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फटाफट से त्यौहार पूजा से 5 मिनट पहले भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज है दीपावली का दिन 31 तारीख और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा के लिए तैयारी। तो यहाँ थोड़ा सा हम पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी पूजन, तो वहाँ एरिया थोड़ा सा ना सीलन की वजह से थोड़ा क्या बहुत ही कह रही हूँ मैं, तो सारा मतलब जो कलर है वो निकल गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर। तो मैंने कृष्णा से ये कागज़ मंगाया था और पता है कितने सस्ते में मैंने ये किए हैं, आप देखिएगा आगे। सिर्फ और सिर्फ ये 2 रुपये का कागज़ आया था और उससे मैंने ये थोड़ा डेकोरेशन ही बोलेंगे ये मैंने कर दिया है। तो बस ये शाम का टाइम है, सारे काम से ऊपर से फ्री होके नीचे आई, नीचे ही पूजा होती है घर में। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया है इस तरीके से और यहाँ देखिए मैंने चौकी भी लगा दी है क्योंकि टाइम हो गया था चौकी का। तो मैंने कहा चलो चौकी वोकी सब लगा के फिर ऊपर फ्री होके जाऊँगी, क्योंकि ऊपर मुझे जो है थोड़े से काम और करने थे बाकी। तो मैंने कहा पहले फ्री हो जाऊँगी और देख सकते हैं कितना सारा सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है। तो दिवाली पूजा या दिवाली डेकोरेशन जो भी है उसका फुल ब्लॉग तो आपको अलग वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा झलक की दिखा रही थी कि मैं यहाँ पर लगी पड़ी हूँ हल्की पुल्की डेकोरेशन करने के लिए, फिर चलेंगे ऊपर। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? तो अभी मैं आई हूँ नीचे पूजा की तैयारी करके और कृष्णा बना रहा है चाय। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे 1 तारीख को। तो बस चौकी वौकी लगा के आई हूँ और ये बोले कृष्णा से चाय बनाने के लिए, कृष्णा चाय बना रहा है। दूसरी मैंने बनाए थे बेसन के लड्डू और मैसूर पाक, जो कि मैंने कल रेसिपी शेयर की थी। और बेसन के लड्डू मैंने नहीं की क्योंकि पहले कर चुकी हूँ, बस आवाज़ गैस कम कर लें थोड़ा सा। तो और राघव कृष्णा बोले थे मम्मी मिठाई कम लग रही है, कुछ और बना लो। तो अभी इतने मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं वैसी कोई मिठाई बनाऊँ तो मैं अभी सोच रही थी कुछ मेरे पास रखा हुआ था तो इंस्टेंट मिठाई बनाने की, जो कि एंड टाइम पे आप 5-10 मिनट पहले भी बना सकते हो। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो बस मैं वही मिठाई बना रही हूँ और इसकी मैं 5 या 7 मिनट में मिठाई बनके तैयार हो जाएगी इंस्टेंट वाली। नहीं तो गैस जलाना है, नहीं चाशनी वाशनी कुछ नहीं, बिना मावा बिना खोया कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। तो आज वही शेयर करने जा रही हूँ। तो केशु हैप्पी दिवाली तो बोल दे सबको, हैप्पी दिवाली। चलिए तो रेसिपी शुरू कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ भुने हुए चने। तो ये जो मेरे चने हैं ये क्या था ना, रखे थे घर में और ये छिलके वाले चने, इनके मतलब छिलका भी है। तो आप क्या करेंगे ना, मैंने लगभग 2 कटोरी चने लिए हैं और ये पैकेट मुझे बताया था कितने का था, मतलब कितने ग्राम का था। तो यहाँ भुने हुए चने थे और इनका मुझे छिलका हल्का सा उतारना है, क्योंकि एकदम से ना पूरा छिलका ले लेंगे तो थोड़ा मिठाई का कलर अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा डार्क डार्क सा काला काला सा आएगा। इसलिए मैं इसके ना हल्के से छिलके उतार ले रही हूँ, आसानी से उतर जाते हैं। और नहीं तो आप वैसे भी मंगा सकते हैं, जो बिना छिलके वाले चने आते हैं ना वो ले सकते हैं, या जो इसकी चने की जो दाल होती है भुने हुए चने की वो भी आप ले सकते हैं, जैसा कि आपके पास हो जो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने चने का छिलका उतार लिया है और उसको फटक के थोड़े बहुत रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, आपको मिक्सर जार लेना है और इन चनों को पीस लेना है कुछ चीज़ें और डाल के। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बादाम ऐड कर रही हूँ इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए, और 1 मुट्ठी करीब काजू मैंने लिए हैं इसका टेस्ट और अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर अब इसको ना एक फाइन सा पाउडर हमें बना लेना है। अच्छा, थोड़े बहुत अगर जो मेवा के टुकड़े रह भी जाते हैं काजू बादाम के तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, फाइन बना लिया है। हल्के पुल्के जो रह गए थे ना वो सिर्फ़ और सिर्फ बादाम के 1-2 पीस रह गए थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छे लगते हैं थोड़े, मतलब क्रंची बोलते हैं। अगर आपके पास टाइम हो ना तो अगर बादाम और काजू आप थोड़ा सा भून करके लेंगे ना घी में तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, इसे 2 कटोरी चने थे तो 1 कटोरी मैंने चीनी ले ली, उसका मुझे फाइन पाउडर बनाना है चीनी का। और अब यहाँ पर क्या करना है, ये चीनी का पाउडर बनाया है ना उसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से और थोड़ी ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच लिया है मिल्क पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं वरना कोई स्किप भी कर सकते हैं, मतलब इससे थोड़ा सा ना मावे वाला टेस्ट आ जाएगा। इलायची पाउडर लिया है मैंने 1/2 चम्मच। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप ड्राई फ्रूट और ऐड करना चाहें अपने हिसाब से तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद ना क्या करना, इसको अलग कर दीजिएगा। और यहाँ पे लिया है मैंने दूध, ये दूध थोड़ा सा मलाई के समेत है, और इसमें थोड़ा सा हल्का पिंच में येलो कलर मिला रही हूँ, मतलब केसर जैसा। केसर थी मेरे पास लेकिन मुझे जल झटपट में ना मिल नहीं रही थी कि मैंने कहाँ रख दी है, तो इस वजह से आप केसर भी थोड़ा डाल सकते हैं इसमें और अच्छा टेस्ट करने के लिए। अब क्या करना है आपको, इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। देखिए किसी अंदाज हो तो, मैंने डाला था तो मेरा एकदम फिक्स रहा था, पर आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो आप जो बना रहे मिठाई इसका जो टेक्सचर ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मिठाई जो है अच्छी नहीं बन पाएगी। तो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इसका लगाना है डो जैसा, एक सॉफ्ट सा डो, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो दूध लिया था परफेक्ट उतना ही सही बैठा था, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आप चम्मच से दूध डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे अच्छा सा एक सॉफ्ट सा हमें डो तैयार कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे दूध मुझे इतना बच गया है, मतलब आधी से थोड़ा सा कम दूध और मुझे बच गया है, तो इसको अलग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी लिया है, देख सकते हैं मैंने आधा आधा चम्मच करके दो बार लिया है, आधा भी नहीं है मतलब पूरा एक चम्मच भी घी नहीं है, तो हल्का सा बिल्कुल डाल के अब थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लीजिएगा। घी पिघला के लेंगे तो भी चलेगा, वैसे लेंगे तो भी चलेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो क्या होगा ना, एक ये डो जो है एकदम पूरा एक सिमट भी जाएगा और एक थोड़ा सा घी का भी टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो इसको ना बिना घी के भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा घी मैंने इसलिए डाल दिया कि एक डो भी साफ़ हो जाए, मतलब अच्छे से चिकना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा हमारा डो लग के तैयार हो गया। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितना ये सॉफ्ट रखा है, ये देखिए हाथों से चिपक भी नहीं रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसके देखिए कई तरह की मिठाई बना सकते हैं, आप रोल भी बना सकते हैं, आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फ़ी भी बना सकते हैं, आपको जो सही लगे वो आप बना लीजिए। काजू मतलब जो कलर्स होते हैं ना वो टाइप शेप दे सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है, आपके पास जो भी बर्तन हो, ट्रे हो, स्टील हो, कोई भी बर्तन हो, उसमें आप इसको, मैं बर्फ़ी बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्का सा घी लगा लिया। अब यहाँ पर जो जो हमारा डो है ना इसका चने का, तो उसको हम इसमें फैला लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे भी शेप में जितना मोटा आप रखना, ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं रखिएगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा, जिस तरीके से बर्फ़ी होती है ना उस तरीके से आप इसको फैला दीजिएगा। तो यहाँ पे इस शेप में मैंने फैला दिया है, और मेरे पास रखे थे थोड़े से जो है पिस्ते कटे हुए पहले से रखे थे, तो मैंने वही डाल दिए हैं। आप पिस्ते लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं, और नहीं हो तो कुछ भी मत लगाइएगा। इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगी अभी 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद में इसको बस ये साथ के साथ कट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से ही सेट अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए इसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे तैयार होना था, तो मैंने कहा चलो इसको कट करके छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट करके और बस ऐसे छोड़ दिया, भी निकाला नहीं है, बस आपको निकाल के दिखा रही हूँ, साथ के साथ भी निकालेंगे तो भी ईजिली निकल जाता है। तो भाई मैं आपको दिखा रही थी कि इसका कोई झंझट नहीं कि आप उसको रखेंगे तभी ये निकलेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बन गई है आपकी बहुत ही टेस्टी, इसको मोहन थाल भी बोल सकते हैं, इसको बेसन की बर्फी भी बोल सकते हैं, और क्या बोलूँ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो भी नाम दें इसका आप सजेस्ट करिएगा इसका नाम क्या होगा। देखिए कितनी बढ़िया बर्फी बनके तैयार हुई है, एकदम गजब की, बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में, झटपट बन जाती है। तो बस चलिए अभी थोड़ी देर सेट करने के लिए रख दिया है, हालाँकि निकल तो रही है बहुत ईजी से, देखिए ये देखिए, लेकिन मैं थोड़ा सेट करने के लिए रखूँगी इसको, और तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, पूजा की थोड़ी सी और तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी इस बर्फी को, ठीक है। तो जो चलिए अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, बस मैं तैयार होकर आ गई थी, और यहाँ मैं बर्फी के पीस आपको निकाल के दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से ये सेट हो गए हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फटाफट साथ के साथ भी निकाल लेंगे, ज़्यादा मतलब इसीलिए मैं बोल रही थी ज़्यादा ढीला मत रखिएगा इस डो को, दूध हिसाब से मिलाइएगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे बर्फी के पीस निकले, कोई कह नहीं सकता कि इसको मैंने 5 मिनट में बनाया है, और ना ही कोई देख के कह सकता है कि घर में आपने फटाफट से बनाई है, ना ही तो आप इसको ये बोलेंगे कि झटपट वाली मिठाई, इसका टेस्ट लेस है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हमने इसमें जो काजू बादाम मिलाए हैं तो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस दिवाली जल्दी से इस मिठाई को ज़रूर से बना लीजिएगा, भेद उस पर बना सकते हैं, गोवर्धन पूजा बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, जब मीठा खाने का मन हो तभी बना सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, हैप्पी दिवाली।